चलिए आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे यहाँ पे परसेंटेज दो शब्द आपका उच्चारण होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, उसके बाद तब आप लोग पढ़ना चाहिएगा। एक तरफ पहले परसेंटेज को प्लस करेगा, कुछ देर के बाद उसी परसेंटेज को माइनस करेगा। ध्यान देखिएगा मेरी बात को, समझने का प्रयास करिएगा। माने पहले परसेंटेज को क्या कहेगा, प्लस करेगा, फिर कुछ देर के बाद उसी परसेंटेज को माइनस करेगा। सेम सवाल फिर दूसरी कंडीशन इसकी होगी कि यहाँ पे या तो परसेंटेज को पहले माइनस करेगा, फिर जाने के बाद कुछ देर बाद वो प्लस करेगा। इस तरह का सवाल आपके परीक्षा में आने वाला है, इस तरह का प्रश्न आपका हमने क्या देखा। इसके पहले हमने परसेंटेज के बहुत सारे सवाल पढ़ लिए थे और आज की जो टॉपिक है वो काफी निर्णायक टॉपिक है और यहाँ से परीक्षा में प्राय प्रश्न आते हैं। अगर आपको वास्तव में घर के बेहतर स्कोर करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर हल करिएगा। आपको यकीन मानेंगे कि वास्तव में यहाँ से प्रश्न आए हैं और आते भी हैं। तो इस तरह का जो देखिए मैंने कहा ना, गणित भाषा ही खेल है। लोग कहते हैं सर मुझे गणित समझ में नहीं है, मुझे लगाते लेता हूँ परीक्षा में गणित नहीं आती। कारण यही है कि उसका जो भाषाई खेल है उसी पर हम निजात नहीं पाते। इस तरह के प्रश्न में पहले क्या करेंगे, जो आर परसेंट है इसे इसको मान लेते हैं। आर परसेंट पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। इसके लिए एक ही सिंपल तरीका है, पहले लिखेंगे आर परसेंट। क्या लिखेंगे, आर परसेंट पूरे का बटा 100 प्लस माइनस आर इंटू 100। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे और इसी के फार्मूले से पूरी इसकी गणित सॉल्व हो जाएगी। कैसे होगी, चलिए लिखिएगा। लिखिएगा राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है। तो बताइए कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हमने और आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक बार पहले परसेंटेज कम हुआ, फिर दोबारा परसेंटेज क्या हुआ, बढ़ा। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए कितना सेकंड चाहिए आपको, मुश्किल से 10 सेकंड। माने इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड चाहिए और ये सवाल इतने बड़े बड़े होंगे लेकिन आपको लगाने में 10 सेकंड आएगा। कैसे, आइए देखिए। उस प्रश्न को एक बार हम अपने मन में दोबारा पढ़ते हैं। वो प्रश्न कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, और 10% अधिक है तो पहले कौन सा चिन्ह है, अधिक माने प्लस का चिन्ह कहा है, तो कुछ नहीं करना है, आर परसेंट। आर माने 10%, अधिक ही बात करता है, अधिक माने 100 से ज्यादा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लगा है, तो प्लस का मतलब ये हो जाएगा 110 परसेंटेज के लिए गुड़े 100। लड्डू से लड्डू कट गया तो क्या होगा, ये लड्डू मतलब लड्डू इस लड्डू से कट गया तो बच्चा 100/11, तो 11 99/11, तो 9 से ही 1/11%। मुश्किल से आपको इस सवाल को लगाने में 10 सेकंड लगेंगे। कितने, 10 सेकंड। 10 सेकंड में गणित का प्रश्न आप आसानी से लगा लेंगे। कमेंट करके बताइए कितने लोग को ये समझ में आया, जल्दी से बताइए। अब इस पे बहुत सारे प्रश्न कराएंगे, अलग अलग भाषा के प्रश्न कराएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सभी लोग कमेंट जल्दी से बताएं, जितने लोग भी लाइव है। ये गणित की वास्तविक बेसिक जड़ है जो आपके भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आराम से सीखते चलिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरी गारंटी है। गणित में आप स्कोर करेंगे, किसी भी किताब से पढ़िएगा। चलिए आगे प्रश्न लिखिएगा। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। फटाफट लोग जवाब दें और इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न को दोहराते हैं, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। ध्यान दीजिएगा, पहले परसेंटेज को बढ़ा रहा है, फिर परसेंटेज क्या कर रहा है, पहले बढ़ाया फिर कम किया। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम लोग को बस यही रखना होगा, आर परसेंट आर बट्टे फिर यह, ठीक है।
जल्दी से कमेंट करिए, जवाब दीजिए और इस वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए, जो भी जहां भी देख रहे हैं, जो इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो फेसबुक पे शेयर कर दें, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे शेयर कर दें। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए फटाफट एकदम। देखिए आइए इसके बारे में आपको बताता हूं। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक थी, तो यहां लिख दिया हमने 25% अधिक थी, माने 100 से ज्यादा था, अधिक माने 100 से ज्यादा, मैंने भी बताया ही आपको, बटे 125% के लिए गुणे 100, तो 25 से का 25, 125, 5 से काटेंगे 20, तो आगे क्या आपका 20%। मतलब इस सवाल को लगाने में मात्र 10 सेकंड का समय लगेगा और 10 सेकंड में दिए गए प्रश्न का उत्तर। एक बार आपको गणित की भाषा समझ में आ गई तो आपको 10 सेकंड ज्यादा ज्यादा लगेगा इस तरह के प्रश्नों को हल करने में, मुश्किल से 10 सेकंड। लेकिन बस भाषा याद रहना चाहिए, प्लस माइनस कहेगा, पहले या तो प्लस कहेगा, देखिए यहां पे पहले प्लस फिर माइनस, पहले माइनस फिर प्लस, ये कहानी आपको याद रहनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको याद है तो आप यकीन मानिए गणित आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखिएगा, समझ में आ गया, अगला प्रश्न लिखिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने के बाद कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। एकदम 10 सेकंड ज्यादा आपको समय नहीं लेना है सवाल को लगाने में। अगर आपने 10 सेकंड ज्यादा लिया समय, इसका मतलब हमारे पढ़ाने में कोई कमी है, आपको पढ़ने में कोई कमी है। ठीक है, आइए हम लोग भी देखते हैं भैया क्या वास्तव में 10 सेकंड लगा या हम खाली बोलते ही हैं 10 सेकंड। कह रहे हैं कि पहले क्या कहा है कि कमी कहा है, तो उससे हमसे नहीं मतलब, पहले जो कहा उसको लिख देंगे। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 बटे, अब बताइए नीचे क्या लिखेंगे, कमी कहा है, 100 से कम होगा, कितना कम होगा 80, तो 20/80 परसेंटेज के लिए गुणे 100। तो ये देखिए 20 का 20, 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 100 को तो 25 क्या होगा 25%। मुझे तो लगता है 10 सेकंड भी ज्यादा है आप लोग के लिए, 10 सेकंड भी ज्यादा है, माने सवाल 10 सेकंड से भी ज्यादा और कम में लग जाएगा, कि मैं अधिकतम आपके लिए मानता हूं कि 10 सेकंड में इसे आप लगा भी लेंगे और कलर भी कर लेंगे। क्लियर हुआ, किसी कोई डाउट, किसी कोई समस्या, कोई डाउट कोई समस्या नहीं है ना। आगे लिखिएगा राम की उम्र रहीम की उम्र से 50% कम है, राम की उम्र रहीम की उम्र से 50% कम है, तो बताइएगा रहीम की उम्र राम की उम्र से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। याद रखिएगा इस तरह के सवाल में पहले परसेंटेज कमी कहेगा, फिर वृद्धि पूछेगा, वृद्धि कहेगा तो कमी पूछेगा, इतना याद रखिएगा। इस तरह के सवाल भाषाई आधार पर है, अगर भाषा को समझते चलेंगे तो यकीन मानिए इस तरह के प्रश्न आप चुटकियों में हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और आप उस योग्य हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप उस योग्य हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। बताइए सभी लोग, बताइए जल्दी से कमेंट करके, सभी लोग बताएं जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, फेसबुक बताएं जो यहां पे देख रहे हैं। बताइए, देखिए यहां पे बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही
जो सवाल है आपका वो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये परीक्षा में कई बार पूछे गए लेकिन बस भाषा ही खेल है इसका। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। मैंने कहा ना हल करते समय 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा। कह रहा है कि राम की आयु रहीम की आयु से 50% कम है। तो ऊपर क्या होगा 50, पहले 8% होगा बटे कम है, 100 से 50 कम करेंगे क्या बचा 50, 50 परसेंटेज के लिए घोड़े 100, 50-50 से कट गया तो क्या है 100% है। तो कितने लोगों ने, जितने लोगों ने बताया सभी के जवाब पूरी तरीके से सही थे। इस प्रश्न का उत्तर 100% राइट आंसर होगा, इसका 100% सही जवाब होगा। क्लियर? पहले ध्यान दीजिएगा, हमें पहला सेंटेंस याद रखना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, देखिए किसी ने भी गलत उत्तर बता दिया, हमें हमेशा क्या करना है, पहला सेंटेंस याद रखना है। हमें कौन सा पहला सेंटेंस याद रखना है? पहला सेंटेंस आपका क्या कह रहा है कि पहले कमी कहेगा तो पहले या पहले माइनस, हमें हमेशा क्या करना है इसी सेंटेंस को याद रखना है। ठीक है, हमें आपको क्या करना है हमेशा यही सेंटेंस याद रखना है, यही पहले क्या कहा है। ठीक है, पहले क्या कहा है बस इसी बात को याद रखना है। क्लियर? कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़े, यहां से कोई डाउट कोई समस्या? अगला प्रश्न लिखिएगा। दो संख्याओं के गुणनफल में केवल भाषा प्रश्न की मैं लिखवाना चाह रहा हूं, दो संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या में 20% की वृद्धि हो जाने से, 20% की वृद्धि हो जाने से गुणनफल अशुद्ध प्राप्त हो रहा है। तो बताइए कि दूसरे संख्या में कितने प्रतिशत की कमी कर दें ताकि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, दो संख्याओं के गुणनफल में पहली संख्या में 20% की वृद्धि हो जाने से गुणनफल त्रुटिपूर्ण प्राप्त हो रहा है, तो बताइए कि दूसरी संख्या में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। बस इसी प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इसी के साथ हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी। सभी लोग जवाब दीजिएगा, वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यह गणित की एक असाधारण क्लासों में से साधारण क्लास है। एक बार इसकी सीरीज को तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, खासकर गणित। जी हाँ, जल्दी इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। जो साथी आपके अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ जाएं, क्योंकि कर भला तो हो भला, और ये परसेंट की एक बड़ी सीरीज में से एक है। जी जो हाँ, जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर कर दें, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो यूट्यूब पे शेयर कर दें। आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे हल किया जाए। मैंने आपको कहा इस तरह के प्रश्न को मात्र 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। कितना? 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में कैसे? हमने देखा, कह रहा है कि जो आपका मैथमेटिक्स है, जो गणित है आपका, उसमें करना क्या है कि जो दो अंक का गुणनफल था, पहली संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो हमें पहले परसेंट लिखना है, 20% बटे पहले वृद्धि का है, पहली लाइन याद रखना है, पहले वृद्धि का है तो क्या लिखेंगे नीचे 120। फिर क्या कहा परसेंटेज के लिए, हमने पहले दिन पढ़ लिया था परसेंटेज की घोड़े 100 करते, घोड़े 100। अब देखिए क्या करेंगे, ये लड्डू से लड्डू कट गया, दो एक का दो छंग 12,
फिर काटेंगे तीन, ये हो गया 50, हो जाएगा 50/3 से लिखते हैं 16 सही 2/3%, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, यह इसका राइट आंसर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, जितने लोग को समझ में आ गया हो वो कमेंट करके जवाब दे देंगे कि हाँ सर हमें ये समझ में आ गया, ये टॉपिक हमें पूरी तरह से क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट, किसी कोई समस्या हो तो आप हमें बेझिझक बेधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? कोई डाउट यहां से, कोई समस्या, कोई डाउट कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसी प्रश्न का मुख दूसरी दिशा की तरफ होंगे। चलिए एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, एक प्रश्न और लिख लीजिए। आलू के मूल्य में, आलू के मूल्य में, आलू के मूल्य में 30% की, आलू के मूल्य में, आलू के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से, आलू के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से एक गृहिणी अपने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दें, अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर दें ताकि उनका मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि उनका मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि उनका मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा और डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा। दुर्गेश सर सर्च कर बिना स्पेस दिए, दुर्गेश सर सर्च कर आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करके जगह ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की क्या समस्या है, कैसे क्या फैसिलिटीज है, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास, पीडीएफ नोट्स और घर बैठे भी नोट्स मंगा सकते हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सवाल लगा लिए होंगे। अब इस सवाल को हम मेंसुरेशन की तरफ ले चलेंगे, जहां पे इस सवाल को हल करने में एक एक पेज लोग गंवा देते हैं, माने एक एक पेज में सवाल को हल करते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह के सवाल को, जो इस तरह गणित के सवाल है, मात्र आपके 5 या 8 सेकंड में हल कराएंगे, 5 या 8 सेकंड में। ठीक है, चलिए पहले इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, हो सकता है आपके काम में आ जाए। बाकी किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, ऑफिस का नंबर है, यहां से आपको सभी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। आइए इस तरह के सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, कह रहा है कि आलू के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपने खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि कर दे ताकि उसका मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। प्रश्न इतना बड़ा है लेकिन आपने दो बातें समझ ली, प्लस और माइनस, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। तो यहां पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग 30% बटे कमी क्या है, तो नीचे क्या होगा, 100 से कम होगा, कितना 70 होगा, तो जाएगा 30/70 परसेंटेज के लिए गुणे 100। ये लड्डू से लड्डू कट गया, ऊपर क्या होगा 300/7, तो फिर हो जाएगा 7×28, 7×2=14, ये हो जाएगा 42 सही 6/7%। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस सवाल को हम मेंसुरेशन की तरफ ले चल रहे हैं, लेकिन तब तक जो भी साथी लाइव हैं, जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो शेयर कर देंगे, जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो शेयर कर देंगे, ताकि उन सभी लोगों तक जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत से आप सबको दे रहे हैं, उन सभी तक पहुंच सके। फिलहाल यदि कोई समस्या रह जाती है, कोई दिक्कत रह जाती है, आप कमेंट करके बेहिचक बेधड़क आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी प्रश्नों के, सभी सवालों के पूर्णतः जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, एक सवाल और लिखिएगा। अब यहां से शुरू करते हैं नया मोड, अब हम इस सवाल को मेंसुरेशन पे लगाएंगे। तो क्या अभी तक जितने लोग लाइव कमेंट देख रहे हैं, ये क्लास लाइव चल रही है ना, ये क्लासेज लाइव है, हम और आप लाइव पढ़ रहे हैं। हाँ, ये है कि हम आपके कमेंट का जवाब नहीं देते, क्योंकि बात का जवाब देंगे तो बात बढ़ जाएगी, टॉपिक से हट जाएंगे। ठीक, आपके कमेंट हम देखते हैं, और अब इस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, अनंत बार देख सकते हैं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 बार देख सकते हैं, 20 बार नहीं, आप अनंत बार देख सकते हैं वीडियो को।
पेट क्लास में भी अनंत बार देख सकते हैं। अच्छा ये वीडियो अभी पेट क्लास की है लेकिन अभी आप लोग देख ले रहे हैं, बाद में पेट क्लास की है। अब प्रश्न को हम मेंसुरेशन में ले चलते हैं, वहां पे इस प्रश्न को किसी किताब में उठा के देखिएगा, एक एक पेज में लगाते हैं, ठीक है। लिखिएगा प्रश्न, प्रश्न लिखिएगा आप लोग। एक आयत के लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए, आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट करके अपनी राय देंगे, अपनी फीडबैक देंगे कि आप लोग को समझ में आया नहीं आया। ये वास्तव में किसी भी किताब को उठाकर देखेंगे, यह सवाल आपको एक एक पेज में लगा मिलेगा, लेकिन हम आपको कई किताबों का अध्ययन करके इस तरह से शॉर्ट में कर दिए ताकि आप भी गणित का डर दूर हो जाए और ऐसे परीक्षाओं में प्रश्न चुटकियों में हल करेंगे। अभी कुछ लोग कहते हैं सर बोर्ड पर प्रश्न आकर तब हल क्या करिए, जी हाँ वो भी करूंगा, लेकिन पहले तो मैं आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दूं, पहले मैं गणित की बेसिक चीजें तो आपको बता दूं। जब बेसिक आपको पता हो जाएगा तो भैया गणित कितना बड़ा पहाड़ है, कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। चलिए आज को हल करते हैं। तो चाहे मेंसुरेशन का सवाल आए, पहले कमी फिर बाद में वृद्धि या पहले वृद्धि बाद में कमी, अगर इस तरह के सवाल की भाषा, पहले प्रश्न की भाषा समझिएगा। नहीं कुछ लोग ये कह देंगे, जैसे मैंने एक बार पढ़ाया था, इसी सीरीज में पढ़ाया हूँ कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे, चौड़ाई में 10% कमी कर दे, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की परिवर्तन होगी, तो 12 9 108% की वृद्धि होगी। तो इस तरह के जो प्रश्न थे वो आप लोगों को समझना होगा, दोनों में डिफरेंस जमनना होगा। यहाँ पे एक बार प्रश्न में वृद्धि कर रहा है फिर दोबारा कमी, भाषा समझिए, इस लाइन में मत चलिए कि आप यही रूल समझ में आएगा वही हल करते चलिए, कतई नहीं। आप प्रश्न की भाषा समझिए, एक बार वृद्धि फिर कमी, एक बार कमी फिर वृद्धि, इस टॉपिक को समझिए, इस बात को समझिए, गणित आसान करना है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है उसकी लेंथ है 20% कमी कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 20 बटे कितना लिखेंगे, 80, क्योंकि कमी कहाँ है तो 80। परसेंटेज के लिए हमने पहले दिन से पढ़ा है कुछ, गुड़े के लिए परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, लड्डू से लड्डू कर दीजिए, 2 1 2 2 4 8, 4 से काटेंगे 100 को 25, तो क्या हो जाएगा 25%। क्लियर, सोचिए 10 सेकेंड भी आपका नहीं लगा और आप इस प्रश्न का उत्तर आपने प्राप्त कर लिया, मुश्किल से 10 सेकेंड का भी समय आपके लिए नहीं लगा। तो आपको ऐसी सीरीज पढ़ना चाहिए, मतलब यहां से कॉन्सेप्ट जो है आपके इतने अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर होते चले जा रहे हैं, एक एक कर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जा रहे हैं, तो फिर क्यों हम लोग अपना समय बर्बाद करें। अगला प्रश्न लिखिएगा, एक त्रिभुज के आधार में 25% की कमी कर दी जाए, 25% की कमी कर दी जाए तथा उसके लंब में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे, तथा उसके लंब में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि उसका जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे, बताइए आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं, एकदम आसान सवाल है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा,
अगर आपको लगे नहीं बेहतर है, किसी के काम का है, तो इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा और इस सभी सवाल को किसी किताब में देखिएगा कैसे हल किए हैं। एक एक पेज में पता नहीं कैसे माना यक्ष वाई, माना जो त्रिभुज की भुजा यक्ष है एक, फिर दूसरी भुजा को 20% की कमी करेंगे 25, तो यक्ष माइनस 25 ऐसे करके करते हैं, बहुत एक पेज में लगता है, फिर तुलना करते हैं। ऐसा हम लोग को नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ेंगे तो गणित कई दिन में सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि एक काम आपको करना है कि 25 पहले लिख देंगे, वृद्धि या कमी कह रहा है कि पहली बार कमी, ठीक है, फिर कमी कह रहा है तो आप हो जाएगा 75% के लिए गुणे 100, बस इसी को काटे छोटा करना है। 25 एक 25 25 75 100/3 इसे रट्टा मार दीजिए, 100/3 आएगा क्या होगा 33 सही 1/3%, 16 सही 2/3 मतलब 50/3 आएगा, 16 सही 2/3%, ठीक। सभी लोग पढ़ते रहिएगा, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी कोई दिक्कत हो। इस तरह के जो प्रश्न है, यहाँ पे एक बात आपको पुनः समझना है कि अगर पहले परसेंटेज बढ़ा रहा है, परसेंटेज पहले कम कर रहा है, इन सभी बातों को अगर आप समझे रहेंगे, यहां से प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक, कभी भी यहाँ के सवाल आपके गलत नहीं होंगे, इस बात को समझिएगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक बार हम एक दो प्रश्नों को और करा देते हैं, उसके बाद इस सीरीज को यहाँ पे समापन किया जाएगा। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए आप पहले बात तो टेलीग्राम पे जितने लोग जुड़े हैं, सही नहीं तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके दुर्गेश सर सर्च करिएगा, दुर्गेश सर सर्च कर कर इलानी पे दुर्गेश पे जुड़े रहे, क्योंकि सबसे पहली नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे देते हैं, किसी भी वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलती है। उसके बाद हमारा फेसबुक पेज इलानी पे दुर्गेश, क्योंकि वीडियो चलाई हमारा फेसबुक पेज भी चलता है, इलानी पे दुर्गेश पर भी आप अगर फेसबुक यूजर हैं वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं हमें, इंस्टाग्राम इलानी पे दुर्गेश, ट्विटर इलानी पे दुर्गेश। तो दुर्गेश सर सर्च करके 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। नोट्स कैसे मिलेगा, ऑनलाइन क्लास वालों को पीडीएफ मिलेगा, बाकी जो जिनको नोट्स चाहिए वो हैंड घर पे भी मंगा सकते हैं। आइए अब हम बताते हैं इस तरह के प्रश्न को क्या, इसमें कमी क्या थी। इस प्रश्न के प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसमें परसेंट को या तो पहले प्लस करेगा या दोबारा परसेंटेज को माइनस करेगा, याद रखिएगा। इसमें दो काम करेगा, या तो पहले माइनस फिर प्लस, या तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे एक बार परसेंटेज माइनस करेगा दोबारा प्लस करेगा, माने एक बार वृद्धि और दोबारा कमी, और कहेगा कि इसके बाद उसमें कोई परिवर्तन ना हो, इक्वल रहे, बात को समझिएगा, इतना होने के बाद वह क्या रहे, इक्वल रहे। यह बात अगर जिसके दिमाग में बैठ जाएगी वह प्रश्न को मात्र 10 सेकंड में हल कर लेगा। इतनी बात आपको समझना है कि पहले परसेंट अगर कब वृद्धि है, फिर कमी करने के बाद अपरिवर्तित रहे, फिर आपने यहां देखा माइनस करेगा, फिर दूसरे को कितना बढ़ा दे कि अपरिवर्तित रहे, माने इक्वल रहना चाहिए। इस तरह के सवाल जब भी परीक्षा में आए आपको मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा और आप उसे चुटकियों में कर लेंगे। यकीन मानिए अगर आपको थोड़ा सा भरोसा लेने में दुर्गेश पर है तो आप इस तरह के प्रश्न आराम से आसानी से कर लेंगे। फिर अगर आपको कोई डाउट होता है, फिर भी आपको कोई समस्या होता है तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे, हम आप संतुष्ट करेंगे तब तक जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। चलिए इसी बहाने एक प्रश्न लिखते चलते हैं। एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, 30% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित बराबर, क्लियर। केवल इस बात को याद रखिएगा। अब अगर आपने कक्षा 10 की किताब में मेंसुरेशन में देखा होगा तो ये डेढ़ पेज में लगता है, डेढ़ दो पेज में, हमने भी पढ़ा इसे डेढ़ दो पेज में, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चल रहा है मेरे साथ साथ, तो यकीन मानिए गणित आप हलवा कर ही देंगे, एकदम हलवा बना देंगे, एकदम मतलब इतना कह सकते हैं उससे भी कम। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब इस तरह के सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए आपने लगा लिया ना तुरंत, कह रहा है कि कितना 30% की वृद्धि, तो पहले लिखेंगे 30, फिर नीचे मन इसमें यही करना है कि आर परसेंट लिखने के बाद 100 प्लस माइनस R परसेंट इनटू 100, मतलब यहां तो जगह ही नहीं बचा, रुक जाइए जगह बना रहे हैं,
इसका पहले ट्रिक तो बता दे फार्मूला, ये क्या होगा, यहां लिखेंगे आर परसेंट, ये पहला जो आर परसेंट होगा, बटे बटे यहां पे 100 प्लस माइनस आर गुणे 100%। अभी आराम से निकालिएगा, ये हो जाएगा 30/130 परसेंटेज के लिए गुणे 100। सवाल खुद से लगाइएगा, मुझे मत बताइएगा, अब आप लगाना जान जाइए, अब हम आगे नहीं बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल लिखिएगा, अब क्यों सवाल बोल रहे हैं, सवाल बोल रहे हैं राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक, तो वहां पे वृद्धि पहले का है तो कुछ नहीं भैया, पहले लिखेंगे 40 फिर बट्टा लिखेंगे 140 परसेंटेज के लिए गुणे 100। सोचिए कितना आसान गणित हो जा रहा है, क्या आपने कभी सोचा था कि गणित इतना भी आसान होता है, होता है यार। मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ और गणित रट गई है पूरी, रट इसलिए कि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया ना, तो एक कॉन्सेप्ट छप जाता है तो मैं प्रश्न बोल लेता हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे क्या पहले बोलना है, क्योंकि गणित की भाषा को अगर आप डिकोड करने में कामयाब हो जाते हैं तो गणित आसान लगती है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा गणित पढ़ाते हैं लेकिन अच्छा नहीं पढ़ना है आपको, आपको बोरिंग नहीं करना है, बहुत सारे फार्मूला, इसके लिए अलग फार्मूला, उसके लिए अलग फार्मूला, बोरियत नहीं लाना। जिस दिन सब्जेक्ट में बोरियत आ जाएगी उस दिन उससे आपका रुझान कम हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छे गणित पढ़ाते हैं लेकिन जब गणित पढ़ाएंगे तो बहुत सारे फार्मूला रटो, हर परसेंटेज पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया, हर एक टॉपिक पे फार्मूला। अरे यार कितना याद करेंगे, हमें तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है ना, हम तो पीएचडी तो करना नहीं है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितने से हमारा और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब अपना लगाते रहिएगा, आंसर लाते रहिएगा, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, उसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक त्रिभुज के आधार में 15% की कमी कर दी जाए, एक त्रिभुज के आधार में 15% की कमी कर दी जाए तथा उसकी लंब में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आ गया ना परिवर्तित। तो बस इसी के साथ आज की सीरीज पूरी तरह से खत्म हुई। जितने लोग को समझ में आया वो सभी कमेंट करके बता दे, जिनको समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई भी क्लास मेरी स्टार्टिंग से अटेंड करे उसे कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, चाहे मैं जीएस पढ़ाऊं, चाहे मैं मैथ पढ़ाऊं, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊं, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि मैं क्लास पूरा पढ़ा दूं और अंत में आने के बाद कोई यह कह दे सर मुझे समझ में नहीं आया, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो आपने क्या पाया यहां पे, इसको लगाने का तरीका कितना ही आसान है। आपने क्या देखा, 15% कमी का वृद्धि, क्या कहा है, बताइए आपने कमी देखा या वृद्धि, मैंने क्या कहा, मैं तो खुद ही भूल जाता हूं, पहले 15 तो मुझे याद है, कमी कहा कि वृद्धि, पहले कमी कहा कि वृद्धि, मैं भूल गया सॉरी, शायद कमी कहा था क्या, तो हो जाएगा 85, अगर वृद्धि कहूंगा पहले तो हो जाएगा 15/115। ठीक है, सीधी सी बात, अब तो समझ गए कॉन्सेप्ट ही, अगर कमी कहे हैं तो ये लगाएंगे, अगर हमने पहले वृद्धि का होगा तो ये, मैंने स्टार्टिंग में सारे कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। क्या कोई ऐसा भी बच्चा है जितने लोग ने हमारी पूरी क्लास अटेंड किया हो उनको समझ में आया हो, अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको लगता है वीडियो सभी को काम को हो, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा, अपने फ्रेंड के ग्रुप में भेजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं सभी को शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं सभी को शेयर करिएगा, सभी को बताइएगा इलेनी विद दुर्गेश में दुर्गेश सर की मैथमेटिक्स आपको समझ में आती है नहीं आती, वृद्धि का होगा यह लगाइए, कमी होगा यह लगाइएगा। आपको मैंने ऐसी बेसिक चीजें बता दी है कि इस तरह के सवाल मात्र 10 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। ये मैंने केवल कहा नहीं है कि थंबनेल लगा दिया आओ पढ़ते हैं 10 सेकंड में गणित कैसे, जी नहीं, आपने स्वयं करके देखा। मैंने कहा कब, अंत में कहा कि आप इसे 10 सेकंड में हल कर सकते हैं। क्या वास्तव में इस तरह के सवाल आप 10 सेकंड में हल कर सकते हैं, खासकर मेंसुरेशन जैसे सवाल, कह दिया जाए एक आयत की लंबाई में 20% या एक आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, उसके लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तुरंत कहेंगे सर कमी कहा है ना, हाँ 10/90 × 100, तुरंत मतलब तुरंत आप कहेंगे सर 10
दस कमी का असर 90% के लिए गुणे 100 बस उत्तर। तो ये लॉजिक आपके अंदर बैठानी है, ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर डालने है, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके अंदर बैठ गया, सारी चीजें हो गई, तो आपको कोई माई कलाल गणित में कम नंबर नहीं दिला सकता और गणित में रुझान आपका बढ़ता जाएगा। चलिए आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, मतलब आज की कथा यहाँ पे खत्म होती है। ऑनलाइन क्लास के लिए जोड़ सकते हैं, ये क्लासेस जौनपुर जनपद से संचालित होती है। अगर आप जौनपुर जनपद से हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, अगर आप जौनपुर जनपद सिराज हिंद से हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, अगर कहीं और से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुँच जाए, ताकि लोग भी अगर वो जुड़ना चाहें, पढ़ना चाहें, तो उनका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करके इलेनी में दुर्गेश जुड़े रहिएगा, फेसबुक यूजर है तो फेसबुक पेज इलेनी में दुर्गेश, ट्विटर यूजर है इलेनी में दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनी में दुर्गेश, माने जितनी सोशल मीडिया आप जानते हैं इलेनी में दुर्गेश से जुड़े रहिएगा, चाहे जितनी सोशल मीडिया, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।